तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक हैमर ड्रिल का। तो चलो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले। तो देखो कुछ अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो मैं इसे काट लेता हूँ फटाफट। तो ये ड्रिल हमने कौन सी कंपनी के, हिल ग्रोव की कंपनी की है, हिल ग्रोव नाम है इसका। तो ये भी चलो इसको भी इसका निकाल लेते हैं डब्बा। ये देखो कुछ ऐसा डब्बा मिलता है इसके साथ, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है अगर कहीं लेके जाना हो तो। ठीक है, काफ़ी अच्छा डब्बा है, इसको खोल लेते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर। ये देखो ड्रिल मशीन है, हैमर ड्रिल है, तो काफ़ी ठीक है साइज़ में, बड़ी भी है। तो देखो ये इसका वो है, मोड्स हैं इसके यहाँ पे, तो यहाँ से सेट कर सकते हैं हम अलग अलग मोड, तो उसका भी देख लेना आप। तो ये देखो ये रिवर्स करने के लिए, ठीक है, दोनों साइड होता है। और ये देखो ये कितने वाट का है, 1200 वाट की है, ठीक है। इसके साथ कॉर्ड भी, जो इसकी वायर कॉर्ड है वो भी काफ़ी लंबी मिल जाती है, देखो काफ़ी लंबी है, ठीक है। ये देखो ड्रिल भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ और भी कुछ मिलता है सामान, ये इसका हैंडल है जो पकड़ने के लिए होता है, आगे लगता है इसके, वो भी लगाएंगे। तो ये देखो ये कुछ ऐसे खुलता है, इसको खोल के लगा सकते हैं हम इसको, ठीक है, तो बाद में लगाएंगे वो। तो अभी ये देखते हैं, इसके साथ ये बिट मिलती है हैमर वाली, तो देखो काफ़ी बिट मिलती है, 5 बिट मिलती है इसके साथ। तो एक ड्रिल वाली होगी कोई कुछ तोड़ने के लिए होगी, काफ़ी ड्रिल है। और ये है कि जितना आपने करना है, मतलब जितने आपने अंदर तक करना है उतना सेट कर दो इसे, वहीं तक रुक जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो देखो ये बिट लगाते हैं हम, तो इसे कुछ ऐसे अंदर को दबाना होता है इसे। तो अभी हैमर मोड में चला रहे हैं हम, ये देखो कट कट कर रहा है, जो आवाज़ हो रही है वो हैमर मोड में चला रहा है। अब हम इसमें नॉर्मल मोड करते हैं, देखो नॉर्मल मोड में ऐसे चलती है, स्मूथ चलती है। हैमर मोड में थोड़ा वाइब्रेट होता है क्योंकि हैमर मोड में आ जाता है, ये हैमर प्लस ड्रिल मोड है, दोबारा से हैमर मोड आ जाता है। और इसमें स्क्रू ड्राइवर वाला भी है कि जैसे हमने स्क्रू खोलने होंगे वो भी खोल सकते हैं हम। तो ये है हैमर मोड ओनली, इसमें सिर्फ आगे भी, तो इसके लिए ये ड्रिल बिट है देखो, ठीक है, सिर्फ आगे पीछे करेगा टक टक, तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, क्वालिटी तो ठीक है, बढ़िया ड्रिल है, क्वालिटी भी अच्छी है, इसके बॉक्स की भी इसकी भी।